नमः शिवाय। पत्नी का वशीकरण करें बहुत ही आसानी से। जो पत्नी आपका या आपके परिवार का कहना ना सुनती हो और ना ही आपको प्यार करती हो, तो करें सरल और शक्तिशाली वशीकरण विधि, जिससे आप अपनी पत्नी को अपने वश में कर सकते हैं और अपना सारा कहना मनवा सकते हैं। ध्यान रहे, इस विधि को सही काम के लिए ही उपयोग करें। गलत काम में इस विधि का उपयोग ना करें। गलत काम में इस विधि का उपयोग करने से बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। और जो साधक साध्वी हमारे चैनल पर पुराने जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही सरल चमत्कारी वशीकरण विधि पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आपको करना क्या है, जिससे आपकी पत्नी आपके वश में हो जाए, आपका और आपके परिवार का सारा कहना माने। तो आपको ऐसा करना है कि रात को 12 बजे जब आपकी पत्नी सो रही हो, उस समय उसके थोड़े से बाल काट लें। और ध्यान रहे, उसको पता नहीं लगना चाहिए। और सुबह जल्दी उठकर उन बालों को घर के बाहर ले जाकर जला दें और अपने राइट पैर से कुचल दें। ध्यान रहे, इस विधि को मंगलवार और रविवार के दिन ही करना है, और दिन इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपके वश में हो जाएगी और आपका और आपके परिवार का कहना मानेगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इस विधि का उपयोग अच्छे काम के लिए करें। गलत काम में इस विधि का उपयोग बिल्कुल ना करें। गलत काम में इस विधि का उपयोग करने से बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी डीएम कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।